वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है चिकन 1/2 kg। इसमें डालेंगे हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमें मैरिनेशन के लिए रखना है, तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के फुल अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ डालेंगे इसमें 2 टीस्पून फुल भरकर दही, और इसी के साथ इसके अंदर डालेंगे रेड फूड कलर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर कर इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे कम से कम आधे मिक्स करके घंटे। हमने अपने चिकन को छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। तो ये देखें इस तरह से ये मैरिनेट हो गया है, आधा घंटा हो गया है इसको। अब हमने कढ़ाई में डाला है ऑयल, या तो इसको आप बटर में बनाइए या फिर इसको रिफाइंड ऑयल में बनाइए। मस्टर्ड ऑयल में इसको नहीं बनाए तो अच्छा है, इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं आता है मस्टर्ड ऑयल में बनाने से। अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ करा है, ये अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 सफ़ेद इलायची, इनका मुंह खोल लेंगे हल्का सा। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही डालनी है। ये हल्की सी गोल्डन हो जाएगी, तो प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हमने जो चिकन अपना मैरिनेशन के लिए रखा था वो पीसेस इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर से हमने खाली अपने जो चिकन के पीसेस हैं वो डाले हैं, बाकी जो पानी दही ने छोड़ा था वो अभी हमने इसी में रखा है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छे से चिकन को अपने चिकन के पीसेस को अच्छे से हमें फ्राई करना है यहाँ पर। तो हमारे चिकन के पीसेस बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें एक अलग बाउल में निकाल के रख देंगे। इस तरह से सभी निकाल लेंगे, इसमें से सारे चिकन के पीसेस हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज का पेस्ट। हमने मीडियम साइज़ की प्याज लेकर के उसका पेस्ट बना करके रखा था, ये इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे कुछ अब पाउडर मसाले, जिसमें कि है रेड चिली पाउडर। तो इसके अंदर ऐड करते हैं अपनी रेड चिली पाउडर, एक छोटा चम्मच है ये, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच के करीब। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। पाउडर मसालों के अलावा इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, और अब इसको अच्छे से भूनना है जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए और एक बहुत बढ़िया सा टेक्सचर इसके अंदर ना आ जाए। तो इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। हमने अपना चिकन मैरिनेशन के लिए रखा था, उसमें से जो दही ने पानी छोड़ा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गया है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये खाने में भी। अब डालते हैं इसमें ये टमाटो केचप 1 चम्मच भर के। इसके अंदर टमाटो केचप भी डालें आप, टमाटो प्यूरी ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मिक्स करेंगे अच्छे से। साथ ही इसके अंदर डालेंगे कस्तूरी मेथी, जिसको हमने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट, और उसको हाथ से क्रश करते हुए इस तरह से इसके अंदर ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से करेंगे मिक्स। हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यकीन कीजिए फ्रेंड्स। एक बार इसको बना के ट्राई करके देखिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो इस तरह से हमने इसे कर लिया है सर्व। अब इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा बटर, और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा डिलीशियस सा चिकन बन करके रेडी है। ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ जैसे चाहें वैसे इन्जॉय कर सकते हैं। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी। तब तक के लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। खाओ, खिलाओ और मज़े करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।